नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वन इंडिया हिंदी में और मैं हूं आपके साथ विवेक। दिवाली के मौके पर आज पीएम मोदी जैसलमेर बॉर्डर के लोंगेवाला चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने देश के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी वीरों को मेरी तरफ से 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से दिवाली की बधाई। पीएम ने कहा कि देश की सरहद पर हो, आसमान पर हो या फिर समंदर में, राष्ट्र सुरक्षा में जुटे हुए देश की बेटियों और बेटे, हर सुरक्षा बल, हर किसी को दीपावली के इस पावन पर्व पर नमन करता हूं। जवानों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा है कि आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास रखता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की तो जवाब उतना ही प्रचंड रूप से दिया जाएगा। जब भी सैन्य कुशलता के इतिहास के बारे में लिखा पढ़ा जाएगा, जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी, तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था। भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सब से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत के वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों के साथ भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पूरी ताकत के साथ दोनों मुट्ठी ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि पीएम ने चीन का नाम लिए बिना कहा है कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है, 18वीं शताब्दी की सोच है, इसके खिलाफ भारत आवाज बन रहा है। आज भारत की रणनीति साफ है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की तो जवाब भी उतना ही प्रचंड होगा। ये चीन को साफ संदेश है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।